हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपियर करना चाहते हैं, दोस्तों आपको ये तो मालूम होगा कि आपको अपने हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा करवाने होते हैं। दोस्तों, आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने लॉकडाउन से पहले ही अपने असाइनमेंट्स अपने स्टडी सेंटर पे जमा करवा दिए। इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए। दोस्तों, अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में इग्नू की तरफ से एक नया कदम यहाँ पे लिया गया, जिससे आप अपने असाइनमेंट्स अपने घर बैठे अपने रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में ये एक सर्कुलर जारी किया गया था। इस सर्कुलर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। दोस्तों, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आपको अपने असाइनमेंट्स की PDF बनानी होगी, हैंड रिटन असाइनमेंट्स की। दोस्तों, आप जो भी ऑनलाइन असाइनमेंट्स परचेज करते हैं, आपको उन असाइनमेंट्स को लिख के और फिर उसकी PDF बना के अपने रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी पे ईमेल करना होगा। दोस्तों, ऐसे केस में आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें PDF के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही तरीका बताऊँगा कि आप अपने असाइनमेंट्स की PDF किस तरीके से बना सकते हैं और इसके बाद में आपको किस तरीके से मेल करना होगा। दोस्तों, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक पूरा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको अपने असाइनमेंट्स की PDF बनानी है और उसके बाद में अपने रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी पे मेल कर देना होगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है और इग्नू की तरफ से जब भी कोई नया नोटिस या कोई नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहेगी। दोस्तों, अपने लिखे हुए असाइनमेंट्स की PDF बनाने के लिए ऐसे तो बहुत सी एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी प्ले स्टोर में, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक आसान सी एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा जिस एप्लीकेशन का आपके PDF पे कोई भी वाटरमार्क नहीं रहेगा। दोस्तों, ये है आपके सामने टैप स्कैनर। आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों, आप इसे अपने मोबाइल में इजीली यूज़ कर पाएंगे और आपके जितने भी असाइनमेंट्स हैं आप उनकी फ़ोटो क्लिक करके और उसके बाद में उन्हें PDF की फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों, इस एप्लीकेशन का आपके PDF पे कोई भी वाटरमार्क नहीं रहेगा। आपने जितनी भी एप्लीकेशन आज तक देखी होंगी, जो भी PDF कन्वर्टर रहती हैं, उन सभी में उस एप्लीकेशन का नाम आपके PDF पे छप जाता है, जो कि आपके लिए यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट रहेगी। आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, ये जो कैमरा वाला आइकन है जिस पे लिखा हुआ था स्टार्ट स्कैनिंग, आप इसे क्लिक करके और यहाँ पर अपना कैमरा ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ये आपके सामने सिंगल मोड है, मतलब आप जो फोटोज़ क्लिक करेंगे वो एक एक करके PDF की फॉर्म में चेंज होते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बैज, आप इसे क्लिक करेंगे तो जितने भी फ़ोटो आप एक साथ में क्लिक करेंगे वो सभी एक ही PDF में जुड़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपके असाइनमेंट में सबसे पहले तो आपको अपना एक पेज अटैच करना होगा जिसमें आपकी सभी डिटेल्स होंगी। इसके बाद में आपका अपना क्वेश्चन पेपर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, फिर उसके बाद में आपके हैंड रिटन असाइनमेंट्स। अगर आपके 25 पेज हैं, 30 पेज हैं, 40 या 50 पेज हैं एक सब्जेक्ट के, क्योंकि आपको अपने हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग PDF बनानी होगी और आपके हर PDF में आपका फ्रंट पेज लगा होना ज़रूरी है। सो दोस्तों, ऐसे करके आप एक एक करके आपके जितने भी पेजेज हैं उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके जितने भी पेजेज हैं आप यहाँ पर जो टिक का निशान है जिसके नीचे फिनिश लिखा हुआ है, आप इसे क्लिक कर देंगे तो जितने भी पेजेस हैं आपके वो आपके सामने यहाँ पे शो करेगा। उनमें से आप चाहें तो उन्हें क्रॉप कर सकते हैं या रिसाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक पेज को एडिट करने के लिए आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसे इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि साइड में ज़्यादा बॉर्डर आ गया है तो आप उसे कट कर सकते हैं, या फिर जो कम है तो उसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका फ़ोटो यहाँ पे तिरछा है तो आप उसे रोटेट की सहायता से सीधा भी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे आपके लिए ब्राइटनेस या फिर कॉन्ट्रास्ट, तो आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके सामने नीचे भी कुछ ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो उनमें से भी अपना फ़ोटो क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं।
ऐसे एक एक करके आप अपने PDF में जितने भी पेजेस हैं सभी को एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पे फाइनल अपना जो PDF है उसे आप रीनेम भी कर सकते हैं। दोस्तों आपका जो PDF है उसे आप वही नाम दीजिएगा जो आपके सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट कोड, सो दैट आपको बाद में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे कि यहाँ पे ये मेरे लिए MPS 1 है तो मैं इसे MPS 1 नाम दे देता हूँ। इसके बाद में आप यहाँ पे शेयर को क्लिक करके और अपना PDF यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दीजिए। ऐसे करके दोस्तों आप अपने जितने भी PDF है, जितने भी सब्जेक्ट है, उन सभी को एक एक फ़ोटो क्लिक करके और उनका PDF यहाँ पे बना लीजिए। जैसे कि दोस्तों मेरे यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 सब्जेक्ट के लिए मैंने अलग अलग MPS 1, 2, 3, 4 चारों अलग अलग PDF बना ली। सभी PDF बनाने के बाद में आपको यहाँ पे ये PDF अभी अपने रीजनल सेंटर की ईमेल ID पे मेल करने होंगे। इसके लिए आप यहाँ पे अपने जितने भी PDF हैं उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके शेयर के ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट आएगा। तो आप यहाँ पे PDF को सेलेक्ट करके और रेगुलर साइज रखिएगा। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप इन्हें कहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे या जीमेल पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे जीमेल को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो जीमेल है वो ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ये सभी डिटेल्स डिलीट कर देनी है। डिलीट करके आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स लिखनी होंगी, एनरोलमेंट नंबर, अपना नाम, रीजनल सेंटर कोड, स्टडी सेंटर कोड, आपके सभी सब्जेक्ट कोड, ये सभी डिटेल्स आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें और साथ ही अपना सेशन जुलाई 2019 या जनवरी 2020 जो भी आपका सेशन है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे सब्जेक्ट में भी लिख देंगे इग्नू असाइनमेंट फॉर सबमिशन। फिर यहाँ पे 2 में आप अपने रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी का एड्रेस डाल देंगे, उसके बाद में आप इसे सेंड कर दीजिएगा। इस तरीके से दोस्तों आप अपने असाइनमेंट्स की PDF बना के अपने रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी पे उन्हें मेल कर देंगे। दोस्तों ये काफ़ी आसान था, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया होगा। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।